जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जब भी हम किसी मीठा चीज के बारे में कल्पना करते हैं या सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले तस्वीर जिस चीज की बनती है वो होती है चीनी। तो हम चीनी के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा भी चीज हमारे बीच पाया जाता है जो चीनी से ज्यादा मीठा हो या चीनी के तरह मीठा करता हो लेकिन वो चीनी नहीं हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं ऐसे ही चीजों के बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं ऐसे पदार्थ के बारे में जो कि चीनी तो नहीं है लेकिन हाँ वो चीनी से ज्यादा मीठा करता है। वो पदार्थ अगर 1 किलो हम लेते हैं तो वो चीनी के 2000 किलो के बराबर होता है। दोस्तों 2000 किलो का मतलब आप समझ सकते हैं ट्रक में भर के चीनी आएगी और वो सामान हम 1 किलो एक पॉलिथीन में भर के एक बैग में भर के ला सकते हैं और वो 2000 किलो चीनी से भी ज्यादा मीठा होगा। दोस्तों इसी केमिकल का इस्तेमाल डायबिटीज के पेशेंट के लिए शुगर फ्री जो टैबलेट आप लोग देखते हैं उसमें भी किया जाता है। तो दोस्तों आइए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो नीचे में आपको रेड वाला बटन दिख रहा है उसको ब्लैक कलर कर दीजिए, मतलब कि बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहला जो पदार्थ होता है, जो इस प्रकार का पदार्थ होता है जिसका सबसे पहले डिस्कवरी हुआ था, उसका नाम था सैक्रिन। सैक्रिन क्या होता है? सैक्रिन जो होता है वो मोस्ट पॉपुलर स्वीटनिंग एजेंट है, मतलब कि जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा मीठा करने में प्रयोग किया जाता है लेकिन ये चीनी नहीं है। दोस्तों इसके लैब में बनाया गया है, 1879 में इसे सबसे पहले बार लैब में बनाकर तैयार किया गया था जिसका इस्तेमाल लोगों के द्वारा किया जाने लगा है आज के समय में। यह चीनी से 550 गुना मीठा होता है। दोस्तों ये चीनी से, ये जो पदार्थ है ये चीनी से 550 गुना मीठा होता है, यानी कि 1 किलो जो सैक्रिन होता है वो 550 किलो चीनी के बराबर होता है और इसका इस्तेमाल डायबिटिक के पेशेंट के लिए जो टैबलेट आता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों दूसरा पदार्थ का नाम है एस्पार्टेम। ये एस्पार्टेम क्या होता है? दोस्तों एस्पार्टेम जो होता है ये 100 गुना मीठा होता है उस चीनी के मुकाबले जिस चीनी का प्रयोग हम लोग करते हैं खाने के लिए। दोस्तों इसका जो यूज होता है एस्पार्टेम का ये बहुत ही लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि इसे हम गर्म खाना में नहीं दे सकते। दोस्तों मीठा चीज जब हम लोग बनाते हैं तो मीठा चीज हम लोग क्या बनाते हैं? खीर भी बनाते हैं, सेवई बनाते हैं। तो खीर और सेवई के अंदर किसी चीज को अगर हमको मीठा करना हो तो वहां पर हम लोग एस्पार्टेम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर पर जाने के बाद ये सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। दोस्तों तीसरा जो हमारा केमिकल है जिसका नाम है सुक्रोलोज, 600 गुना मीठा होता है चीनी से, यानी 1 किलो चीनी जो होता है उससे 600 किलो चीनी जो होता है वो 1 किलो सुक्रोलोज के बराबर होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग भोजन बनाने में कर सकते हैं, गरम खाना में हम सुक्रोलोज को डाल सकते हैं। दोस्तों और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अंतिम वाला है, उसका नाम है एलिटेम। तो दोस्तों एलिटेम जो होता है ये बहुत ही ज्यादा मीठा होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग भोजन में नहीं करते क्योंकि ये 2000 गुना मीठा होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये 2000 गुना मीठा होता है तो हम लोग इतना अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि इसका कितना मात्रा में हम इसे किसी भोजन के अंदर डालें, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है इसका प्रयोग करना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।